ज्यादा से सिद्धार्थ के बारे में आलोचना करते हैं। से सिद्धार्थ के जीवन में घटित असंख्य घटनाओं में से कुछ प्रत्येक किए गए घटनाओं के चित्र के बारे में आलोचना करेंगे। लेखक है श्री शिवानंद प्रसाद दा। चलते चलते षोड़शी भवन से ठाकुरबाड़ी जाने का रास्ता, इसी रास्ता से बार बार चलते का मन करता है, लगता है चलता रहूं आजीवन उस रास्ते पर। यही तो है वो रास्ता जिसने नित्य गर्मी, जाड़ा, बरसात हर मौसम में उनकी कदमों का आहट पाया है, जिसका स्पंदन अभी कायम है। ठीक घड़ी के कांटे से मिलाकर चलता था उनका दैनिक क्रम। दूर कहीं बेवजह बत्ती जल रही है, बुझा दो। कहीं नल से पानी टपक रहा है, पहले ठीक से बंद करना, फिर आगे बढ़ना। रास्ते पर पान के छींटे हैं तो बस धुलाने पर ही निश्चिंतता था। उधर डियर पार्क में हरिन का इंचार कब आएंगे, उनको मिलेगा कुछ खास खाना या फिर हंस के झुंड का। उनके पदचाप का आवास पाते ही घेरा की और इटलाते हुए आनंद उच्छ्वास की अभ्यर्थना एक अद्भुत सुर के साथ जो सिर्फ उनके लिए ही रहता। सन 1974 पढ़ता था दसवीं कक्षा में। कहाँ जा रहे हो? ठीक गैरेज के गोलमर के पास। जब मैं सामने से बचकर निकल रहा था तो रुककर पूछा था उन्होंने। जी, पिताजी के पास जा रहा हूँ, सकुचाते हुए मैंने कहा। क्या काम है? मैं बस चुप। क्या मैं नहीं जान सकता हूँ? जी, पिताजी से साइकिल लेना है। क्यों? स्कूल जाना है। जाओ, मुस्कुराकर कहा। कई महीने के बाद अचानक एक दिन दोपहर में सेलेंदा राय चटर्जी ने पुकारा, राजू तुमको बड़ौदा बुला रहे हैं, अभी तुरंत। मैं नर्वस, कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया हूँ, सोचने लगा। तेजी से बड़ौदा बाड़ी की और दौड़ पड़ा। आंगन में खड़ा हूँ, पैर कांप रहे हैं। नज़दीक कभी आया नहीं था, तब अंदर जाओ, आसित सन्यालदा ने कहा। मैं बड़ौदा के कक्षा में प्रणाम करने के उपरांत नज़र उठाया तो एक टक से देख रहे हैं मेरे। और क्या कर रहे थे? जी ऐसे ही है, आज स्कूल नहीं गए, आज छुट्टी है। पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छा, स्कूल कैसे जाते हो? जी साइकिल से। और जब साइकिल पिताजी ले जाते हैं? जी स्कूल रहने पर नहीं ले जाते हैं। और उस दिन जो तुम साइकिल लेने के लिए पिताजी के पास आए? मैं निर्वाक, उतने दिन पहले की सामान्य बात। आज जाओ बाहर, बरामद में नया साइकिल है, देखो कैसा है। मैं स्तब्ध स्थिर। जाओ देखो, चढ़ो। मैं तो कह रहा हूँ बाहर बरामद में रखी नई साइकिल, डायनामा लगा हुआ है, हूबहू ऐसा ही है जो मेरे सपने में दिखता था। सिर्फ एक फर्क, उनका स्पर्श जो सपना वाले साइकिल में नहीं था। और एक आलोचना है, वो कौन है, पूछा था एक मुसाफिर ने जो रास्ते के विपरीत दिशा से आ रहा था। पहले तो उनकी ओर चमकृत रूप से देखा विस्मय के साथ, फिर सश्रद्ध
सर झुकाकर प्रणाम किया। थोड़ी देर के बाद अनायास ही रास्ते को पार कर पीछे पीछे चलते चलते उसने यह प्रश्न मुझसे किया था। बात यह है कि उस साल जुलाई महीने का ऋतिक सम्मेलन पटना में गांधी मैदान के पश्चिम स्थित लाला लाजपत राव मेमोरियल हॉल में हुआ था। अभी अभी सम्मेलन खत्म हुआ है, इस दौरान भारी वर्षा हुआ है। परम पूज्य श्री बड़ौदा सम्मेलन के बाद पैदल ही जाने की इच्छा प्रकाश किए हैं जहां वो ठहरे थे वहां की ओर। काफ़ी लोग साथ ही चले थे मगर सभी को यात्रा के शुरू में ही फ्रेजर रोड के मोड़ पर रोका गया। मुश्किल से 5-6 लोग मात्र थे। मेरा भी सौभाग्य हुआ था साथ चलने का। ज्यों ही श्री श्री बड़ौदा का फुटपाथ पर चलना आरंभ हुआ, रास्ते के दोनों ओर के लोग उनकी ओर टकटकी लगाए देखने लगे। कोई हाथ जोड़कर, कोई सर झुकाकर, तो कोई इस पर भी संतोष ना करके साथ हो गए पीछे पीछे। खिंचा खिंचा उनके व्यक्तित्व की झलक से इस प्रकार की चलता ही रहा। फिर क्या था, श्री कृष्णपुरी जहाँ श्री श्री बड़ौदा ठहरे थे वहाँ पहुँचते पहुँचते मानो एक विशाल जुलूस सा हो गया थे। लोग नहीं जानते थे वो कौन है, कहाँ से आए हैं, मगर उनके व्यक्तित्व का दर्शन उनको मोहित कर यह एहसास करा दिया था वो एक दैवी व्यक्तित्व है। उनका दर्शन विरल है मानव जीवन में, तभी तो सभी के चेहरे पर है आनंद वो तृप्ति का चमक। ऐसा ही व्यक्तित्व का प्रभाव था श्री श्री बड़ौदा की, जिसने भी उनको देखा तो बस नाट मंदिर में कीर्तन वो पाठ हो चुका है। बड़ौदा किसी को नज़दीक बुलाकर बात कर रहे हैं, बच्चे कुछ ज़्यादा ही गपशप कर रहे हैं, कभी कभी शोर भी हो जाता है। कभी कोई श्रद्धेय गुरुजन तो कभी और कोई श्रद्धेय जन बच्चों को रोक रहे हैं। थोड़ी देर शांति, फिर वही ऐसा क्रम बीच बीच में चल रहा है। दो एक बार से श्री बड़ौदा झलक महर में ये सारे खेल देख रहे हैं। बड़ों का शासन वो बच्चों का उपद्रव। फिर एक बार हठात किसी एक बच्चे को नज़दीक बुलाकर मगर सभी को सुनाते हुए कहते हैं, एक टू दुष्टुमी करा तो भालो, किंतु अभद्रता करा मोटे ही भालो ना। थोड़ी थोड़ी दुष्टता करना तो ठीक है मगर अभद्रता करना एकदम अच्छी बात नहीं। फिर क्या था, सब कुछ ठीक, बच्चे खुश, मुझे भी तो कुछ मिला। सिर्फ नहीं जानते, बच्चे की दुष्टता तो उम्र के साथ साथ ठीक हो सकती है मगर एक बार अभद्रता का प्रवेश हुआ तो बस सब कुछ खाक। यहाँ तक श्री श्री बड़ौदा का, ऐसा ही था उनका शासन। और एक दिन नाट मंदिर में कर्मी सम्मेलन होगा, सारे कर्मीगण चुपचाप बैठे हैं उनकी ओर देखते हुए। अभी अभी माइक रखी गई है बड़ौदा के पास, व्यग्र है सभी उनके वचन सुनने को। तभी इशारे से हारमोनियम ले आओ, हारमोनियम आया, सभी उत्मुक्त होकर उनकी ओर टकटकी लगाए बैठे हैं आगे। अब इसी बीच इंगित पाकर हारमोनियम पर बैठे तनुदा, आवाज़ आ रही है वही आसन तले, सभी मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं उनके भाव गंभीर मुख को। गीत समाप्त हुआ, चारों ओर निस्तब्धता। जय गुरु।